हाय एवरीवन, तो आज हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी जो कि है मिडलाइन क्रॉसिंग के लिए। दैट इज़ अ ग्रॉस मोटर एक्टिविटी और बहुत ही फन एक्टिविटी है कि बच्चे एंजॉय करते हैं इसको करते हुए और बहुत मज़ा आता है। लर्निंग इसमें बहुत इंक्रीज होती है। दिस इज अ ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी, साथ ही साथ इसमें ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव होती है। मिडलाइन क्रॉसिंग के बारे में हमने बात किया था कि मिडलाइन क्रॉसिंग क्या होती है। लेफ्ट राइट बॉडी पार्ट को लेफ्ट से टच करना, लेफ्ट बॉडी पार्ट को राइट की तरफ लेकर आना। सो इससे बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत इंक्रीज होता है। तो आज वही एक्टिविटी, एक मिडलाइन एक्टिविटी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटी है, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है, एंड ये एक्टिविटी आज हम आपके सामने लाए हैं। लेट्स हैव ए लुक ऑन द एक्टिविटी। वेरी नाइस। Hey Krishna, look at the speed. Yes, very nice. Yeah, Krishna. Jaldi, jaldi. Yes. Good job. Very nice. Woo. Billy. Yes. Jaldi, jaldi kar rahe hain abhi hum. Wow. Yeah. मम्मा को देखो। यस यस, गुड बॉय, वेरी नाइस। यस, शाबाश। यस, पहले लिसन। हाँ, गलत हैंड से, यानी कि अगर मैं इसको राइट साइड में दे रही हूँ, राइट हैंड से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपने प्रॉम्प्ट देना है, इस हैंड को आपने पकड़ना है और बच्चे को साइन देना है, प्रॉम्प्ट देना है कि वो इस हैंड से पकड़े और पीछे टर्न करे, पीछे को टर्न करे। नाउ फ्रॉम दिस साइड आपने फिर से फिजिकली प्रॉम्प्ट दे के ये वाला हैंड पकड़ना है, बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो पीछे टर्न करे, जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसको और पीछे करें, राधे टेक इट, और पीछे करें ताकि वो पूरा पीछे टर्न हो। इस तरह से अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं तो मिडलाइन क्रॉसिंग में और भी ज़्यादा हेल्प होती है। टेक इट एंड उसको लेग्स में पकड़ें और डालें। वेरी नाइस राधे। So this is my elder daughter Aradhya doing this activity. The same activity I did do with Krishna also. और उसको बहुत मज़ा आता है। इसमें मैंने दो लेवल्स लिए हैं। फर्स्ट लेवल में पीछे से मैं उनको ब्लॉक्स देती हूँ सो दैट दे कैन सी कि वो कहाँ से पकड़ रहे हैं, कहाँ पर उनको डालना है। जब वो एक्टिविटी मेरे को करवाते हुए 2 weeks 3 weeks हो गए, तो उसके बाद मैंने उसका एक लेवल अप किया, बिकॉज अब मुझे उनकी सेंसेस पे काम करना है। अगर उनकी सेंसेस स्ट्रांग होगी, ईयर, आईज, नोज, जो हमारी 5 senses है, टच, तो बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगी, ब्रेन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जो हम लोग कहते हैं ना रिस्पांस टाइम इन फ्यूचर और चीज़ों के लिए भी, वो भी कम रहेगा। तो उसमें मैंने इनकी आईज क्लोज कर दी। नाउ दे हैव टू लिसन द नॉइस, साउंड, कि साउंड कहाँ से आ रही है, उसके अकॉर्डिंग दे हैव टू टर्न एंड टेक द ब्लॉक और फिर उसको डालना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चा सीख रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है इन अ फन लविंग वे। तो इसमें सेंसेस भी इन्वॉल्व हो गई बच्चे की, तो और भी
ज़्यादा मज़े आते हैं उनको करने में। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है ब्लॉक्स, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं इस एक्टिविटी के लिए। यू कैन टेक बोल्स, यू कैन टेक एनी टॉयज, एनी थिंग यू कैन टेक टू गेट दिस एक्टिविटी डन। आप इसको 20 के नंबर्स में ले सकते हैं, स्टार्टिंग में 10 के नंबर्स में ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।